हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, UPSC की परीक्षा में हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 की टॉपर अनुपमा अंजलि की, जिनका मानना है कि यह परीक्षा कड़ी मेहनत तो मांगती ही है और साथ ही इमोशनल लेवल पर भी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह साबित होती है। टॉपर अनुपमा अंजलि बताती हैं कि प्रिपरेशन के सालों को काटना आसान नहीं होता, खासकर बिना डिप्रेस हुए। अनुपमा अंजलि बताती हैं कि इस सफ़र की खास बात यह है कि आप कुछ बनो ना बनो, पर तैयारी के आखिर में एक इंसान के तौर पर इतना इम्प्रूव कर चुके होते हो कि यह सौदा किसी भी सूरत में घाटे का सौदा साबित नहीं होता। आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इस सफ़र में कैसे खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रखें, यह जानते हैं अनुपमा अंजलि के इस इंटरव्यू के आधार पर। अनुपमा अंजलि ने साल 2017 में सिविल सर्विस एग्जाम में ऑल इंडिया 386 भी रैंक हासिल की थी। अनुपमा अंजलि भोपाल की रहने वाली हैं। वहीं अनुपमा ने स्कूल के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन भी की है। अनुपमा के पिता भी एक IPS ऑफिसर के पद पर रहे हैं। अनुपमा अंजलि बताती हैं कि वो बचपन से ही IAS बनना चाहती थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में लग गई। अनुपमा बताती हैं कि UPSC एग्जाम क्लियर करना एक लंबी जर्नी है। एग्जाम के दौरान इंटेलिजेंसी से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंसी की आवश्यकता होती है। अनुपमा ने अपना एग्जाम दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया। साथ ही तैयारी से पहले अनुपमा एक NGO सीडो चलाती थी। अनुपमा बताती हैं कि एग्जाम की तैयारी के दौरान डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेटेड रहेंगे तो परीक्षा निकाल लेंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं तैयारी को जो समय दे पाते हैं। अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं तो सफलता की राह पर ही हैं। अनुपमा आगे बताती हैं कि एग्जाम क्लियर ना होने के दौरान ये समझें कि आपकी तरह बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के लिए खुद का मोटिवेटर बने, साथ ही टेस्ट स्कोर या दोस्तों से खुद की तुलना ना करें। अनुपमा अंजलि तैयारी के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि परीक्षा की तैयारी के दौरान अपनी स्टडी साइकिल पर फोकस रखें। एक दिन 10 घंटे, दूसरे दिन 8 घंटे और तीसरे दिन ना पढ़ना गलत है। हर दिन की पढ़ाई को फिक्स रखें। सुबह सबसे पहले 45 मिनट मोटिवेशन के लिए निकालें। खुद को जवाब दें, आपको ऑफिसर क्यों बनना है। तय करें कदम आगे कैसे बढ़ाने हैं। अनुपमा बताती हैं कि जिस टाइम में आप तैयारी कर रहे हैं उस समय दोस्तों को घूमते फिरते देख डीमोटिवेट ना हो। अनुपमा आगे बताती हैं कि अपने ऊपर यकीन रखें, ये पढ़ाई समय में लगाकर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अपने लिए हैं। कामयाबी के बाद आपको ऐसे तमाम अच्छे मौके मिलेंगे। साथ ही नकारात्मकता से दूर रहने के लिए अनुपमा अपनी तजुर्बा बताती हैं कि तैयारी के शुरुआती दिनों में उन्होंने वजन बढ़ा लिया था, लेकिन तैयारी के दौरान ही उन्होंने जिम किया। नकारात्मकता दूर करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी समय दें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।